أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I am ihsan Ali Khan अपने YouTube चैनल बिस्मिल्लाह लर्निंग पॉइंट पे जी तो डियर स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट याद रहे कि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम उसको डिस्कस किया था प्रूव किया था उसमें तीन जो लॉज हैं वो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वहां पे हमने उसको यूज कर लिया है लेकिन एक लॉ जो के है चेंज ऑफ बेस लॉ उसको आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करने चले हैं और ये पूरी एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोई इतनी मुश्किल नहीं है थोड़ा सा जो है आप तवज्जो कीजिएगा तो ये समझ आ जाएंगे इसके साथ ही आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करके इस पूरी एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे फिर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.4 की जाने पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने और वहां पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ log 3 रेज 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 रेज 81 डियर स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो कुछ इस तरह से है log a रेज n हमने पढ़ा था व्हिच इज इक्वल टू log b रेज n डिवाइडेड बाय log b रेज a डियर स्टूडेंट इसको हमने मैंने अपनी तरफ से एक शॉर्ट फॉर्म में भी बना के लिखा ताकि स्टूडेंट्स को इस सवाल करने में कोई कंफ्यूजन ना हो ताकि वो आसान हो जाए डियर स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखें बेस जो है वो सेम है बी एंड बी तो मैंने इसको कुछ और नहीं किया log a रेज n व्हिच इज इक्वल टू log n ओवर log a की फॉर्म में अपनी तरफ से लिखा ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो सके अच्छा अब ये n क्या है n बेसिकली मैं पावर को शो करूंगा और a क्या है वो मेरी तरफ से मैं उसको बेस शो किया करूंगा यानी a इज द बेस एंड n इज द पावर तो जहां-जहां अगर इस आपके पास इस तरह की कोई टर्म आती है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं जैसे a रेज n मल्टीप्लाई a रेज n यानी ये a है ये n है अगर इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रही है तो तब हम ये चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे अगर डिवाइड हो रही है तो फिर तो ये हमारे पास सॉरी अगर ये प्लस हो रही है तो फिर हमारे पास ये आपने पढ़ा था पावर रूल यहां पे भी पावर रूल लगेगा यहां पे भी पावर रूल लगेगा अगर ये ऐड हो रहा है तो या सबट्रैक्ट हो रहा है तो लेकिन चूंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो है क्वेश्चन नंबर ला जो है नंबर 4 चेंज ऑफ बेस ला वो यहां पे अप्लाई केबल होगा वो अप्लाई होगा तो अब डियर स्टूडेंट log 3 पावर रेज 2 इसको कुछ हम ऐसे लिखेंगे ये log n ओवर a यानी इसको हम लिखेंगे log 2 डिवाइडेड बाय log 3 मल्टीप्लाई बाय इसी तरह log 81 n डिवाइडेड बाय log a यानी log डिवाइडेड बाय log 2 यानी पावर को ऊपर अलग log में डिवाइडेड बाय बेस को अलग log में नीचे लिखेंगे इसी तरह इसको भी कब जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे अच्छा अब हमने क्या किया log 2 डिवाइडेड बाय log 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 डिवाइडेड बाय log 2 अब डियर स्टूडेंट आप देखें तो ये log 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास बच जाएगा log 81 डिवाइडेड बाय log 3 तो क्या 81 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज 4 यानी 3 की पावर 3 की पावर जो है वो 4 3 × 3 × 3 × 3 अगर इसको हम 3 को 4 टाइम में मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वो 81 बनता है डिवाइडेड बाय 3 तो अब यहां पे चूंकि ये साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ये अलग है एक अलग लॉ दिखा ना तो यहां हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा तो ये अब क्या होगा 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3 यानी ये हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3 तो log 3 से log 3 को मैंने कैंसिल कर दिया तो मेरे पास ये चार आंसर आ गया डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं मजीद आपको इसको समझने में काफी आसानी हो जाएगी ये है जी log 5 रेज 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 रेज 25 डियर स्टूडेंट याद रहे कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है हम यहां पे चेंज ऑफ बेस ला ही लगाएंगे डियर स्टूडेंट
ये मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म खुद से जो बनाई थी वो आपको बता दिया कि लॉग एन ओवर ए इस पे हम दोनों पे लगाएंगे। तो एन हमारे पास थ्री है, लॉग थ्री डिवाइडेड बाई ए लॉग फाइव मल्टीप्लाई लॉग एन डिवाइडेड बाई लॉग लागे यानी लॉग 25 बाय लॉग 3 यानी हम पावर का लॉग अलहदा डिवाइडेड बाय बेस का लॉग अलहदा मल्टीप्लाई पावर का लॉग अलहदा डिवाइडेड बाय बेस का लॉग अलहदा। डियर स्टूडेंट अब अगर आप चेक करें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, मैंने नीचे नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या 25 को मैं 5 रेज टू लिख सकता हूं या 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये मैंने वैसा ही किया। तो डियर स्टूडेंट लॉग 5 2 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.3 का। डियर स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग फाइंड वैल्यू इफ लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010 लॉग 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड लॉग 5 इज इक्वल टू 0.6990। अगर ये वैल्यू उसने दी हुई है लॉग की, लॉग 2 की भी दी है, लॉग 3 की, लॉग 5 की, वो कहता है इनको यूज करते हुए, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है लॉग 32 की, लॉग 8/3 की और लॉग 3 होल 1/3 अंडर रूट का आपने जो है ना लॉग फाइंड करना है इन वैल्यूज को यूज करते हुए। डियर स्टूडेंट मैंने ये इसकी कुछ आई थिंक 6 पार्ट है लेकिन मैंने सिर्फ 3 लिए हैं, फर्स्ट वन लिया है और फोर्थ एंड थर्ड, ये दो जो है ये डिफरेंट टाइप के हैं, बाकी सिर्फ सेम इस तरह के टाइप के हैं। तो मैंने तीनों टाइप में से जो है ना एक क्लियर ही है। मज़ीद अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप जो है मुझे इनबॉक्स में या कमेंट में आप जो है मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट लॉग 32 क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग 2 रेज 5, 2 को अगर 5 मरतबा मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 32 ही बनता है। तो ये है 2 रेज 5। तो यहाँ अगर आप चेक करें डियर स्टूडेंट तो यहाँ हमारे पास पावर रूल लग रहा है। पावर रूल क्या कहता है कि पावर जो है स्टार्ट में आ जाती है 5 लॉग 2, 5 आ गया लॉग 2 की वैल्यू। डियर स्टूडेंट याद रहे ये जो लॉग 2 है इसकी वैल्यू पहले दी गई है, मैंने वही लिख दी लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010 मैंने वैसा ही लिखा। तो 5 इट्स मीन ये 5 जो है 0.3010 से मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 1.5050। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की जानिब सॉरी फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं लॉग 8/3। अब इसको कैसे करना है डियर स्टूडेंट, क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 रेज 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 8 बन जाएगा 2 रेज 3 डिवाइडेड बाय 3। अब आप यहाँ पे चेक करें तो इन पे क्या ये क्वेश्चन रूल नहीं है, क्वेश्चन रूल ये बताता है कि डिनोमिनेटर का लॉग अलहदा माइनस डिनोमिनेटर का लॉग अलहदा, मैंने ऐसा ही लिखा लॉग 2/3 माइनस लॉग 3। डियर स्टूडेंट अब अगर आप चेक करें तो इस पे पावर रूल लग रहा है, पावर रूल क्या बताता है कि 3 स्टार्ट में आ जाएगा, तो इट्स मीन ये क्या बन जाएगा 3 लॉग 2 माइनस लॉग 3। तो हमारे पास लॉग 2 की वैल्यू भी है ऑलरेडी दी गई है और लॉग 3 की वैल्यू भी दी गई है ये वाली 0.4771। डियर स्टूडेंट 3 मैंने वैसे का वैसे लिख लिया और लॉग 2 0.3010 उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस लॉग 3 है 0.4771। डियर स्टूडेंट 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0.9030 माइनस 0.4771। तो ये जब मैं इसको ऐड सबट्रैक्ट करवाऊंगा इसको तो बाकी मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.4259। तो ये मेरा आंसर है। डियर स्टूडेंट अब लास्ट जो है ये मैंने जो सिलेक्ट किया है जो डिफरेंट टाइप का है यहाँ पे इस क्वेश्चन में से तो वो है लॉग 3 होल 1 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। तो इसको आप कुछ मुझे ये बताएं क्या इस तरह हम कर सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 यानी
3 3s are 9 and plus 1 10 over 3, और ये अंडर रूट को हटा के क्या मैं पावर में 1 ओवर 2 लिख सकता हूं, तो मैंने वैसे ही लिया, यानी u ये मेरे पास बन गया 10 डिवाइडेड बाय 3 होल रेज 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 आया स्क्वायर रूट की जगह। डियर स्टूडेंट, अब 1 ओवर 2 जो है उसको स्टार्ट में लेके आते हैं क्योंकि ये पावर रूल लग रहा है, 1 ओवर 2 log 10 ओवर 3। डियर स्टूडेंट, अब 10 को आपने कुछ इस तरह से टू पार्ट में डिवाइड करना है कि हमारे पास ये वैल्यू यहां से कोई ना कोई वैल्यू जो है हम उसको एडजस्ट कर सके, यानी log 10 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैंने वैसा ही किया 1 ओवर 2 log 10 की बजाय मैंने लिखा log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर आप चेक करें तो 1 ओवर 2 बाहर ही रहेगा, और इस पे आप अगर चेक करें तो ये log 2 मल्टीप्लाई की वजह से मैं इसको प्लस लिखूंगा log 5, और डिवाइड होने की वजह से क्वेश्चन रूल की वजह से ये मैं क्या करूंगा, पहले दो पे जो है प्रोडक्ट रूल लगा और 3 की वजह से जो है ये क्वेश्चन रूल लग गया। तो क्वेश्चन रूल क्या बता रहा है, log 2 plus log 5 minus log 3। अब log 2 की जगह मैं log 2 की वैल्यू और log 5 की जगह log 5 की वैल्यू और log 3 की जगह log 3 की वैल्यू पुट करूंगा और बाहर वाले 2 पे डिवाइड कर दूंगा, बाहर वाला 1 over 2 ये बता रहा है कि ये सब वैल्यू को ऐड सबट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड कर रहा है, यानी 1 over 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं, log 2 है 0.1/2 बाहर आ गया, 0 log 2 है 0.3010, ये सब इनकी वैल्यू, log 5 की वैल्यू भी पुट की, log 3 की भी, जब ऐड किया और सबट्रैक्ट किया तो ये कुछ आंसर आया मेरे पास 0.5229। तो x मीन जब ये 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0.5229 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आ गया 0.2615। डियर स्टूडेंट, यूं आज हमारी इस एक्सरसाइज 3.3 का हुआ इख्तिताम। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 को जो है डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी, और आप जिस तरह पहले मोहब्बतों से मुझे नवाज रहे हैं पिछली वीडियोस में, आप जो है काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप अपने प्यार से नवाजते रहेंगे। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।